अगर ये आ गया तो अनर्थ हो जाएगा। आदिनागिन का सबसे बड़ा दुश्मन है ये। इसी वजह से तो फिर ने पानी को रोक के नहीं रखा। या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चील खुद इस जीव के साथ मिला हुआ है। इसका मतलब कि आदिनागिन हर तरह से खतरों से गिर गई है। एक तरफ वो चीलों का झुंड, एक तरफ वो दगाबाज आदिनाग और एक तरफ ये प्राण घातक जीव। आपकी दवाई का समय हो गया है। मां, 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 तुमने मां को देखा? नहीं, वो अपने कमरे में। सब जगह देख ले, कहीं नहीं है वो। पता नहीं कहाँ गई। माँ, माँ, विरांचु मिल जाएंगी वो। माँ, हम ढूंढ लेंगे उन्हें। तो तुम मेरी तरफ हो? हाँ, 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 इसमें कोई शक नहीं है। तो वो करो जो मैंने कहा है। हारना बर्दाश्त नहीं है मारकाट को। जी, 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 जैसे आप बोले। उस आदि नागिन को दूर करो उस वीरांशु से। कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन ये करके दिखाओ। हो जाएगा मारकाट, हो जाएगा। क्या तुम पे भरोसा किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है। आप तो कमाल हो, कमाल हो, बेमिसाल हो। मां, आपने उन चीजों को अपनी मुट्ठी में कर लिया, उन्हें अपने कदमों में झुका दिया, उन्हें यकीन दिला दिया कि आप उनकी मालकिन हो, उनकी मारकाट हो। लेकिन आप तो उनकी मारकाट हो ही नहीं, उनकी मारकाट तो कोई और है। जिसका पता किसी को नहीं चलना चाहिए। ध्यान रखना, मेरी असलियत कोई जानने ना पाए। बिल्कुल बिल्कुल, इसका पता किसको नहीं चलेगा। मैं वादा करता हूँ ये राज सिर्फ इस गुफा तक ही रहेगा। लेकिन इसके आगे का प्लान क्या है? आगे होने का वाला है? ओह, वो तू सोच भी नहीं सकता। हम उन्हें ढूंढ लेंगे। बानी, मेरी माँ मुझे मिल नहीं रही। अगर फिर से मुझे छोड़ के चली गई तो मैं कैसे जीऊंगा? माँ के बगैर मैं मर जाऊंगा। मेरी माँ वो पहले ही बहुत डरी हुई है। एकदम से जाऊंगी तो घबरा जाएंगी। तो आहिस्ता जाना, ओके? आराम से, ओके? मैं डर गई थी। मैं क्यों? मुझे चोट भी लग गई। कोई बात नहीं, मैं दवा लगा दूंगा, ठीक हो जाएगा। हाँ, जैसे बचपन में तू दवा लगाती थी ना, जब मैं गिरता था, ऊपर से गिरता था। एक मिनट, चॉकलेट। चॉकलेट
चॉकलेट माँ की कमजोरी थी, बचपन में सब कुछ बांटती थी पर कभी कभी मेरी चॉकलेट भी मुझसे छीन लेती थी, चोरी करती थी, ये याद है? अंदर चलते हैं, हाँ चल, काले सब तेरा ही है, हाँ चल। अरे भाई आप हो गया, हमें लगा इनकी बॉम है। महक देख, तुम लोग इतनी रात को बाहर जा रहे हो, तुमने अपनी मॉम से परमिशन ली? और तुम दोनों, तुमने चाचू से पूछा क्या? भाई आपको क्या हो गया, हम बच्चे थोड़ी ना है। हमने तो स्कूल में भी परमिशन नहीं ली। और अब तो वैसे भी हम 18 प्लस हो गए हैं, हम अडल्ट्स हैं। वो नहीं सुनेंगे, कभी नहीं सुनते। मैंने एक्चुअली उन्हें ऊपर रूम में भी समझाने की कोशिश की थी, पर मैं जानता हूँ कि तुम परेशान हो, बट डोंट वरी, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारी बहन है ना, वो उन्हें कुछ होने भी नहीं देगी, वो एकदम सही सलामत रहेंगे, क्योंकि तुम्हारी बहन है, मतलब कि वो आदि नागिन। मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी माँ और महक दह की बात नहीं जानते, तो आप प्लीज उनके सामने कुछ मत कहिएगा। यू डोंट वरी, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, और इनफैक्ट अपने भाइयों को भी समझा दूंगा कि अपना मुंह बंद रखें। थैंक्स नितेश। यू आर वेलकम।